रहमतुल्लाह बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत होंगे। तो मुस्कुराने की वजह जो है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ। तो ये ऐसी चीज़ हाथ लगी है, बहुत दिनों से मैं चाची 420 मतलब कि सारा सत्तानी जी के ऊपर वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हाथ लगी है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे सुनने को मिली है, मुझे लगा कि आपको भी इत्तला कर दूँ। मेरी एक बहन, उन्होंने जैसे कि पता ही होगा आप लोगों को, उन्होंने तो पता ही लिया है कि बुढ़ा बुढ़ी जो छुप छुप के मिल रहा है, लेकिन वो वीडियो में ज़रा क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं क्लियर करके जो बुढ़ा बुढ़ी का फ़ोटो एक साथ मैं आप लोग को दिखा ही देती हूँ। बुढ़ी जो है, बुढ़ा से वो बोलती है कि बुढ़ा जो है उसका निकेह वाला पति है और वो उसकी निकेह वाली बीवी है, लेकिन बुढ़ा बुढ़ी छुप छुप के मिलना मतलब मिल रहे हैं। अब छुप छुप के मिलने का रीज़न क्या है? छुप छुप के मिलने का रीज़न ये है कि बुढ़ा का फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि बुढ़ा जो है बुढ़ी से कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता जो है वो रखे। और छुप छुप के मिलने का जो प्रूफ है वो आप लोग बहुत प्रॉपरली देख पाओ तो मैं यहाँ पे लगा दे रही। ये जैसे कि सारा सुप्तानी का फोटो, जिस ड्रेस को, जिस दुपट्टे को पहन के उसने व्लॉग शूट किया था, उसी ड्रेस में बुढ़ी के साथ बुढ़ी की फ़ोटो है। और साइड में एक फ़ोटो जो है वो ब्लर कर दे रही हूँ, क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता है वो सामने आना, तो मैं वो हटा दे रही हूँ। मुझे खमखा किसी को ड्रैग नहीं करना, जो मेरा मुद्दा है मैं उससे बात करती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, ऐसा करते वैसा करते, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम किसी के बारे में झूठ बोले और वो हमारे ऊपर कोई एक्शन ना ले, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर रियल लाइफ के थ्रू हो। अगर किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो वो एक्शन ज़रूर लेगा। बट कहीं ना कहीं बुढ़ी जो है वो ऐसे भी सबके सामने वो हमेशा से बेचारी अबला नारी बनती हुई आई है, सिंगल मदर। हालांकि उसका पति तो वैसे भी था नहीं कोई, कासिम सत्तानी भी उसका पति नहीं था, वो कासिम सत्तानी की कीप ही थी, रखी हुई थी, ठीक है। जब कासिम सत्तानी ने अपने गुलशन सत्तानी, अपने बीवी और अपनी फैमिली के प्रेशर में कि उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो कासिम सत्तानी से एक मोटा ताज़ा रकम जो है उन्होंने ऐठा है। और जबकि अब कासिम सत्तानी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो दुनिया को गाती फिरती कि वो कासिम सत्तानी की बीवी है, हालाँकि वो कीप ही थी कासिम सत्तानी की। अब जैसे कि बुढ़ा बंगड़ी चोर की फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती ऐसी औरत के साथ रिश्ता जोड़ना, और कहीं ना कहीं उनका दिल से था भी नहीं, क्योंकि अमीना आंटी के एक्सप्रेशन से साफ समझ में आता था कि वो कहीं ना कहीं वो मजबूर है, चाहे वो पैसों के तरफ से हो या फिर बाकी कोई भी रीज़न से प्रेशराइज हो, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से हमेशा से ये समझ में आता ही था कि वो जो है वो बाउंड है, प्रेशराइज है। क्योंकि क्या होता है ना कि रिश्तों में कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हमको ना चाहते हुए वो सारी चीज़ें करना पड़ता है, जैसे कि अमीना आंटी करती थी। वो भले ही व्लॉग में मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, रिश्ते नाते वो बोलती थकती नहीं थी, लेकिन भाई अगर मेरा पति है, जैसे कि इंद्रिस अली मेरा पति है, मैं सोशल मीडिया में डंके की चोट में बोलती हूँ, सोशल मीडिया में मैं उनको वीडियो पे लाती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, तो भाई मुझे इंद्रिस अली के साथ छुप छुप के मिलने की क्या ज़रूरत है? मैं उसकी ऑफिशियल वाइफ हूँ, ये मुझे पता है, उसको पता है, इनफैक्ट सबको पता है, उसके खानदान को सबको पता है। तो यहाँ पे इंद्रिस अली के साथ छुप के मिलने की क्या ज़रूरत है? और लोगों को ये बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं अकेली हूँ, बेचारी हूँ, अबला नारी हूँ? तो ये उसका ट्रिक है जो वो शुरू से चलाती हुई आई है, बेचारी अबला नानी फलाना ढिमका। लेकिन क्या है ना आंटी जी, हमारी भी कुछ कुछ पहुँच है और लोग हम तक भी पहुँच ही जाते हैं आपकी सारी चीज़ें देने के लिए। सो इसके एक सबूत मैंने दे दिया आप लोगों को, एकदम क्लियर कट, जिसमें बुढ़ा बुढ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो लोग अजमेर में एक साथ थे, बुढ़ा उधर से आता है, बुढ़ी इधर से आती है। और बहुत लोगों का ये भी क्लेम था कि बुढ़ी जो है क्या बोलते हैं कि किसी और के साथ भी है, जी बिल्कुल, बुढ़ी जो है किसी और के साथ भी है, चेंबूर वाले के साथ भी है और बुढ़े के साथ भी है। बुढ़ा तो बस उसका एक बोलते हैं ना, हवस जो है ना, प्यास बुझाने का एक पीने का पानी का बॉटल है। वैसे प्यास से याद है मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ। और वैसे भी ये फ़ोटो देखने के बाद आप लोगों को तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो वो वीडियो में दिखाती है वैसी वो है नहीं, और जैसी वो है वैसी वो वीडियो में दिखाती नहीं है। सोचो वो एक इंसान के साथ वो घूमने गई है अजमेर शरीफ, लेकिन वहाँ पे जाके वो व्लॉग बना रही है, वो इंसान को वीडियो में नहीं ले रही है, वो दुनिया के सामने ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं अकेली गई हूँ। सोचो तो वो औरत क्या कुछ नहीं कर सकती है। दैट मीन्स हम जो इतने सालों से जो चीख चीख के बोलते हैं
कि औरत जैसी दिखती है वीडियो में और जैसा रिप्रेजेंट वो खुद को करती है वैसी वो हरगिज़ भी नहीं है। वो होती किसी और के साथ है लेकिन वीडियो में दिखाती कि वो अकेली है या फिर वो अपने बेटे के साथ है। हालांकि उसका बेटा खुद उसकी माँ को जो है कस्टमरों के पास लेके जाते हैं जाता है वो, लेकिन वो दिखाती क्या है कि मैं यहाँ पे अटेंड करने जा रही हूँ, वो अटेंड करने जा रही हूँ, लेकिन अटेंड करने के पीछे जो है ना वो बहुत कुछ अटेंड कर लेती है ओवरनाइट, ठीक है। और वो जो बोलती है ना कि मैं आके सो जाती हूँ पड़ जाती हूँ, भाई इंसान अगर सोएगा भी ना, एक ज़िम्मेदार औरत जैसे कि हम और आप जैसे औरत, अगर हम ज़िम्मेदार औरत अगर बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं और हमको नींद भी आते ना, तो हार्डली एक या दो घंटा, आधा घंटा, एक घंटा या दो घंटा ओवरनाइट, शाम को दोपहर को सो के हम लेट नाइट को नहीं उठ सकते हैं, ये पी के टूल रहती है, तब जाके जो है ना ये क्या बोलते हैं सोती रहती है। फिर उसका बेटा जो है किसी और के साथ घूमता है, किसी और एक मोटी लड़की को अभी जो फंसा के रखा है। साथ ही साथ वो अर्शिया की जो है ना स्टोरी, अगर बोबले की आप देखो स्टोरी, अर्शिया की स्टोरी वो शेयर करता है। तो ये जैसे लोग ना, ये कभी जो है ना एक इंसान के होके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर, मान, ईमान, धर्म सब कुछ पैसों के लिए है। ये पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सोचो ना, मेरे साथ मेरा हस्बैंड है और मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, दुनिया को ये बता रही हूँ कि मैं अकेली हूँ। सोचो दोनों के बीच में सेटिंग क्या होगी कि तुम कैमरा के सामने मत आना, सबको दिखाना है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं अकेली गई हूँ, ये उनकी सेटिंग होती है। बुढ़ा भी सेटिंग में कैसे इतने अच्छे से सेटिंग मैनेज करता कि वो व्लॉग में इर्द गिर्द भी नहीं आते। लेकिन चाची जी क्या होता है ना, दुनिया गोल है और सबको पता है कि हम आपके पीछे है। चाची जी को ये लगा कि अब जैसे कि चुप हो गए, हम दूसरे ट्रैक पर चले गए, तो चाची जी का जो पीछे है हमने छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाची जी, आपका पीछा तो हम जन्मों जन्मांतर तक नहीं छोड़ सकते, स्पेशली मैं, क्योंकि आपने मेरे साथ बुरा किया हुआ है और उस वक्त किया जब लाइफ की सबसे मुश्किल घड़ी में मैं थी, तो मैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ सकती। बस थोड़ा टाइम का ब्रेक दिया था, लेकिन ब्रेक के बीच बीच में भी मैं आपको याद कर लूँगी, जैसे ही आपके कोई काले चिट्टे लोग हम तक पहुँचाते हैं। क्योंकि मैं तो भाई आज तक अजमेर शरीफ गई नहीं हूँ, बाबा का बुलावा आएगा तो मैं जाऊँगी, लेकिन बाबा का बुलावा आज तक नहीं आया तो मैं नहीं गई हूँ। लेकिन सोचो हम अजमेर शरीफ नहीं गए, लेकिन अजमेर शरीफ से राइट फ्रॉम द अजमेर शरीफ जो है फ़ोटो हमारे पास आ जाता है, सबूत हमारे पास आ जाता है, तो हमारे भी कनेक्शन जो है वो कहीं कहीं तक तो होती है। और ये फ़ोटो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे पास ही है और बाकी किसी के पास ही है, और मेरे दोस्तों के अलावा कोई भी अगर ये फ़ोटो उठा के चलाएगा तो मैं उसको स्ट्राइक मार दूँगी। सीधी बात बोल रही, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं सारी ड्रेस जो है निकालने के लिए, हमको बहुत मेहनत लगती है, और जिस इंसान ने मुझे दिया है वो इंसान किसी और को देगा नहीं सिवाय मेरे। तो मेरे चैनल के अलावा और मेरे दोस्तों के चैनल के अलावा, हिमा, महानूर, इन तीनों के अलावा अगर किसी के भी चैनल पे मैंने ये फ़ोटो देखा तो मैं स्ट्राइक मार दूंगी, क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ मेरा है। सो आप मेरा कंटेंट यूज़ करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ आप लोग को पता है यूट्यूब में हूँ तो कॉपीराइट का स्ट्राइक आप लोग आ ही सकता है। तो अगर एक कॉपीराइट का स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो तो मेरा कंटेंट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम घर संभाल के, बच्चे संभाल के, यूट्यूब संभाल के भी हमको इस चीज़ से कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है इसकी उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम जो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लोग बोलते हैं आपको कैसे पता, हमको ऐसे पता होता है कि उनके ही घर के लोग और उनके ही जान पहचान के लोगों के साथ हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तभी हमको पता होता है। हम हवा में ऐसे बात नहीं करते, जो लोग बोलते हैं ना हमको जानते नहीं पहचानते नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती कहाँ से, जानते नहीं पहचानते नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते हैं, जैसे किसी ने बोला कि मेरे पास भाई मुझे मुस्लिम कम्युनिटी वालों ने 1 लाख दिया, तो भाई मुझे अगर मुस्लिम कम्युनिटी वालों ने 1 लाख दिया तो प्रूव है तो बताओ, एक माँ की, एक बाप की अगर औलाद हो तुम, और अगर तुमने एक बाप के साथ रह के तुमने अपनी औलादों को जना है, तो सोशल मीडिया में ओपन चैलेंज करते हो, दिखा प्रूफ, जैसे हम दिखाते खंडे तो डर नहीं, मगर तू दिखाएगी नहीं क्योंकि तेरे पास सही नहीं, तो तू कहाँ से दिखाएगी, इसका भी तो बहाना देगी, मुझे पता है इसका भी तो बहाना देगी, दिखाएगी नहीं। बट हमारे पास प्रूफ होता है तभी हम बात करते हैं, क्योंकि हमको जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है ना हम ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो आंटी जी को मैंने ब्रेक दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने नूर अपा का वीडियो देखा तब मेरे दिमाग में खनका, तो इन्फॉर्मेशन जो है खंगा, मतलब इन्फॉर्मेशन आके रुका हुआ था लेकिन मैंने चेक नहीं किया था डीएम, डीएम्स में ही हमको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन डीएम्स और कॉल्स में मिलते हैं, बट मैंने डीएम चेक नहीं किया। तो अभी मैंने रात को मैं चेक करी थी ऐसे कि इतने सारे मैसेजेस पेंडिंग होते हैं ना, आप लोगों को भी आता होगा डीएम्स इंस्टाग्राम पे जो अनसेव्ड या अननोन होते पेंडिंग में रहते, तो चेक किया तो देखा, मैंने बोला अरे
क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे जो चाहने वाले और आंटी जी के जो नफरत करने वाले उनको थोड़ा इतला कर दिया जाए। तो शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरखास्त है, इस वीडियो की रिगार्डिंग आपकी क्या ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर कीजिए। और आंटी जी, मैं आपको बीच बीच में इतला करती रहूँगी, याद करती रहूँगी और आपके ऊपर भी कभी ना कभी बना दूंगी, लेकिन पीछा पीछे ना मैं नहीं छोड़ूंगी। जिन लोगों को लगता है कि हमने आंटी जी का पीछा छोड़ दिया, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। हम आंटी जी को कभी नहीं छोड़ सकते, स्पेशली मैं, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है। एनीवेज, अल्लाह हाफिज़।